शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 22/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं, हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए? उत्तर है, मनुष्यों को देवता कैसे बनाएं, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाएं, ये तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर के जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर उनसे मिलना चाहिए, फिर युक्ति से पूछना है कि आपने ये जो मंदिर बनाया है इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु, नंबर एक, ज्ञान के नशे में रहना है, निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है, अवस्था डगमग नहीं करनी है। नंबर दो, सबको बाप का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनानी है, कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। वरदान शिव सतगुरु का। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। बाबा कहते हैं कि एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल फिर हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ, जब ये स्मृति आती है तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे और बंधन रहेगा नहीं। स्लोगन है, निश्चित विजय और निश्चित स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।